दोस्तों आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का डे 22 और 22 डेज पे देख सकते हो हमने क्या चेंजेस किया है। हमने इसको जो है स्पेस काफी बड़ी कर दी है इसकी। जब ये वहां पर ब्रूडिंग एरिया में थे हमने वहां तक रखा था इसको 20 दिन तक। जब हमने इनका गंबरों का वैक्सीन किया डे 21 पे, हमने इसको कल ही यहाँ पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रहे थे इनको स्पेस की ज्यादा जरूरत होती है। आप देख सकते हो अभी अच्छी खासी इसमें स्पेस है क्योंकि फिलहाल आपको स्पेस इतनी दिख रही है। आप देखोगे 2 से 3 दिन में 4 दिन में ये स्पेस अच्छी खासी भरना चालू हो जाएगी क्योंकि अब जो टाइम है ये इसका ग्रोथ का टाइम है। बर्ड जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो के होने आए हैं। ये अभी मतलब 900 ग्राम के आसपास इनका बॉडी वेट है तो ये 1 किलो के होने आए तो इनको अभी इनका ग्रोथ का टाइम है तो इनको अभी स्पेस की ज्यादा जरूरत होती है। आप अभी देख सकते हो इनकी हेल्थ कैसी है। देखिए ये मतलब ये ब्रॉयलर्स ऐसे होते हैं कि आपको बहुत जल्दी अगर आप कोई चेंजेस करोगे फार्म पे तो ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट इनका देखने मिलता है। जैसे अभी हमने इसकी स्पेस बढ़ाई है, स्पेस कल ही बढ़ाई है और आज ही मतलब 1 दिन में ही माल का जो है बोलते हैं इसकी रंगत जैसी चेंज हो जाती है ना, वैसे इसकी रंगत चेंज हो गई। माल काफी अच्छा काफी हेल्दी दिखने लग गया। मतलब आपको समझना होगा कि आपको आपके बर्ड्स को किस चीज की जरूरत कब है। जैसे अभी ये कल तक वहां पे कंफर्टेबल थे बट अभी ये वहां पे कंफर्टेबल नहीं हो सकते थे क्योंकि ये इनका जो ग्रोथ है ये काफी बढ़ रहा था। अभी इनको थी स्पेस की जरूरत तो ऐसा स्पेस की जरूरत इनको थी, ये चीज को समझते हुए हमने इसकी स्पेस बढ़ाई। स्पेस बढ़ाते साथ ही आप देख सकते हो बर्ड कितना हेल्दी लग रहा है, कितना अच्छा फ्लॉक लग रहा है। आप देख सकते हो कितना फैल के बैठा है और कितना मतलब एकदम हेल्दी बर्ड लग रहा है। और स्पेस बढ़ाने का आपको सबसे अच्छा एक बेनिफिट मैं बताता हूँ, स्पेस बढ़ाने से आपके बर्ड की आधी बीमारियां चली जाती है। जब आप स्पेस बढ़ाते हो आपके बर्ड्स में तो जो पुराना लीटर रहता है जिसपे ड्रॉपिंग्स रहती है वो ड्रॉपिंग में जो बैक्टीरिया होते हैं जैसा कॉक्सी के बैक्टीरिया हो गए या कुछ CRD या बहुत से जो अलग अलग डिजीज होती है जो बैक्टीरियल डिजीज होती है उसके बैक्टीरिया हो गए या इकोलाई के या ऐसे कुछ जो भी बैक्टीरिया इनके ड्रॉपिंग से जो लीटर पे पड़े रहते हैं वो बैक्टीरिया पूरे खत्म हो जाते हैं क्योंकि जब आप इसको फ्रेश लीटर पे लाते हो तो वो लीटर के जितने बैक्टीरिया है पुराने लीटर के साथ में पूरे चले जाते हैं। अब ये मुर्गा कैसा फ्रेश लीटर पे आता है, जब फ्रेश लीटर पे मुर्गा आता है ये काफी ज्यादा हेल्दी फील करता है क्योंकि अब ये लीटर एकदम फ्रेश है, अब ये रेडी है नई ड्रॉपिंग्स को सोखने के लिए। अब इसको गीला होने के लिए काफी ज्यादा टाइम है खराब होने के लिए, जब तक हमारा माल भी तैयार हो जाएगा और माल निकल भी जाएगा तो जब ये लास्ट में अगर ये लीटर जब गीला होना चालू होगा एक्सट्रीम लेवल पे तो ये लास्ट में गीला होना शुरू होगा। अभी तो जब तक ये लीटर सूखा है तब तक माल काफी एक्टिव रहेगा, काफी अच्छा बॉडी वेट देगा। और जो हम जैसा ब्रूडिंग करते हैं, ब्रूडिंग एरिया में पहले चिक्स को रखते हैं कुछ दिन तक वहां पर रखते हैं, तो उससे भी अगर आपके फार्म पे ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पे आप ब्रूडिंग कर सकते हो और उसके बाद माल जब बड़ा हो जाए या थोड़ा सा ब्रूडिंग के बाद में गंबोरो 14-15 दिन के बाद में अगर आप शिफ्ट कर सको तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप वैसा करो क्योंकि उसके बेनिफिट काफी ज्यादा है। क्योंकि ब्रूडिंग एरिया जो होता है वो काफी ज्यादा पैक होता है, उसमें माल को बहुत अच्छी ब्रूडिंग हो जाती है और ब्रूडिंग होने के बाद में जो लीटर है वहां का लीटर आप वहीं छोड़ देते हो क्योंकि वो लीटर खराब हो जाता है 7-8 दिन के बाद में 10 दिन के बाद में। उसके बाद आप जब माल को फ्रेश लीटर पे लाते हो माल बहुत अच्छा ग्रोथ करता है तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप लीटर आपको मतलब जब आप चेंज करते हो तो लीटर आपका एक्सट्रीम लेवल पे ज्यादा खराब होने नहीं देते हो। आप मतलब खराब लीटर पे आपका बर्ड ज्यादा बैठता नहीं है, जैसे ही लीटर आपका खराब होता है आप बर्ड की जगह चेंज कर देते हो तो वहां का पुराना लीटर वहां छूट जाता है फिर बर्ड नए लीटर पे आ जाता है। अब इनका ग्रोथ का टाइम है, अब इनको आपको वो सारी चीज प्रोवाइड करना है जो इनके ग्रोथ के लिए जरूरी है। जैसा कि अभी देख सकते हो हमने फीडर ड्रिंकर इसको एक्स्ट्रा लगाया है। बर्ड जो है ये हमारे 500 है बट हमने इसको जो फीडर लगाया ये 10 होने चाहिए, हमने 14 लगाया है। 4 फीडर एक्स्ट्रा और जंबो फीडर भी आप देख सकते हो ये काफी अच्छा फीड इनटेक कर रहे हैं। ड्रिंकर्स भी इसमें 10 होना चाहिए, ड्रिंकर भी हमने काफी ज्यादा इसमें लगाया है ताकि बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसका ग्रोथ कहीं से नहीं रुके। अभी जैसा कि मैंने बताया ये इसका ग्रोथ का टाइम है, इसको हमको सारी चीज हमें अच्छे से अच्छी प्रोवाइड करना है, इसको पानी काफी अच्छा प्रोवाइड करना है, इसको लीटर क्वालिटी, लीटर ये सबसे मेन होता है आपके फार्म में। अगर आपका लीटर क्वालिटी खराब है तो आपका बर्ड कभी नहीं बनेगा क्योंकि लीटर से ही सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो आप जितना हो सके उतना आप लीटर पे ध्यान देने का ट्राई कीजिए कि आपका लीटर अच्छे से अच्छी क्वालिटी का हो, लीटर आपका खराब ना हो, ज्यादा से ज्यादा पानी सोख सके लीटर, उस कैपेबिलिटी का लीटर आपका होना चाहिए और लीटर में कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। क्या बहुत से लोग क्या करते हैं जब बर्ड्स की स्पेस बढ़ाते हैं तो पुराना लीटर भी इसके ऊपर थोड़ा छिड़क देते हैं ताकि बर्ड्स ज्यादा जो स्मेल आए पुराने लीटर की बर्ड्स को तो बर्ड जल्दी से उसको अडॉप्ट कर ले नए लीटर को, ऐसा बहुत से लोगों का बोलना होता है।
क्या जो नया लीटर होता है उसके ऊपर पुराने लीटर को थोड़ा सा डालने से बर्ड्स को जो पुराने लीटर की स्मेल आती है तो बर्ड ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाता, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पुराना लीटर आप वहीं पे छोड़ दो, आप नए लीटर पे आपके बर्ड्स को पालो। एक दो घंटा बर्ड्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, थोड़ा समझने में उसको जाता है कि पुरानी जगह अचानक से चेंज हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा जानवर है, परिंदा है। उसके बाद में जब आप इसको अडप्ट हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्दी लगेगा। एक दो घंटे में आपके बर्ड्स को आप देखोगे एक दो घंटे बाद काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लगेगा। एक दिन बाद तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना अच्छा बॉडी वेट दे रहा है आपका बर्ड्स। तो इस तरीके से मैनेजमेंट आपको करना होता है आपके फार्म पे, आप देख सकते हो। और हमने इसे पूरा फार्म अभी तक दिया नहीं है, पूरी स्पेस दी नहीं है, एक स्पेस हमने छोड़ दी क्योंकि ये हमारा 1000 का शेड है, 1200 मुर्गी इसमें आ जाती है। तो हमने अभी फिलहाल 500 डाला है, तो हमने इसको पौना हिस्सा दिया है, फिर भी काफ़ी अच्छी जगह दिया है क्योंकि हमें इस माल को काफ़ी ज़्यादा बड़ा करना है। मतलब ये हमें 2200-2300 ग्राम का करके बेचना है, उससे ज़्यादा भी हुआ तो भी, तो मिनिमम तो इतना हमें इसे करके ही बेचना है। तो हमें इसे स्पेस अच्छी देनी होगी ताकि लीटर ज़्यादा गीला ना करे, लीटर क्वालिटी बनी रहे, वेट ये देता रहे, फीड इंटेक अच्छी करे। और इसको स्पेस जितना अच्छा मिलेगा उतना ज़्यादा ये वेट देगा, इसलिए हमने इसको थोड़ी ज़्यादा स्पेस दी। अभी आपको लग रहा होगा स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, कुछ दिनों बाद जब मैं वीडियो डालूंगा आप देखोगे स्पेस की भरना शुरू हो जाएगी। अब आप सोच सकते हो जितना ये माल अभी है ये इसका 3 गुना बढ़ेगा, तो इसको कितनी स्पेस यहाँ पर लगेगी कि कितना भर जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको इसको स्पेस देना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहिए, आपको लास्ट तक इसका जितना वेट आएगा मैं वो भी वीडियो आपको बनाकर दूंगा, कितना FCR आएगा वो भी आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।